फ्रेंड्स अभी हम लोग कार्डिनल सिम्टम्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन एंड नॉक्चुरिया देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन मतलब क्या होता है, पेशेंट को बार बार यूरिनेट करना पड़ता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन मतलब क्या होता है, पेशेंट को बार बार यूरिनेट करना पड़ता है। और नॉक्चुरिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन एट नाइट, ठीक है। नॉक्चुरिया मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन एट नाइट। ऐसे क्यों होता है फ्रेंड्स, ये दरअसल मैंने कॉजेस बताए यहाँ पे, ठीक है। इसको एक एक करके कॉजेस हम लोग एनाटॉमिकल लोकेशन के हिसाब से हम लोग एक एक करके कॉजेस देख लेते हैं वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन में ब्लैडर की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन क्यों होता है जरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है, हमारा ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। जब यूरिन, जब हमारा किडनी क्या होता है, फिल्टरेशन वगैरह करता है, किडनी फिल्ट्रेशन सब करने के बाद जो यूरिन जो हमारे ब्लैडर में जमा होती है, ठीक है। हमारे ब्लैडर में जमा होने के बाद ये ब्लैडर थ्रू या यूरेथ्रा से हमारे बॉडी थ्रू एक्सक्रीट होता है फ्रेंड्स ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है, सब ब्लैडर में जो यूरिन रहती है समझो वहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है। ब्लैडर को इन्फ्लामेशन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिस्टाइटिस वगैरह हो गया, तो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे सिस्टाइटिस अगर हो गया तो क्या होता है, वहाँ पे कंप्लीट इवैक्यूएशन जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। सिस्टाइटिस की वजह से वहाँ पे क्या होता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सिस्टाइटिस में जल्दी जल्दी पेशेंट का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन वगैरह देखा जाता है कई बार, ठीक है। या फिर स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर ब्लैडर वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल समझो एनाटॉमिकली ब्लैडर का साइज वगैरह कम है, या फिर कई बार क्या होता है फिर प्रेगनेंसी की वजह से वगैरह जो यूटेरस की जो फिटस होता है, ठीक है, यूटेरस की साइज वगैरह बढ़ने की वजह से हमारा ब्लैडर से नीचे रहता है, ब्लैडर पे प्रेशर वगैरह कई बार फीमेल में आ जाता है, इसकी वजह से भी फ्रेंड्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसकी वजह से भी फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। बाद में समझो सिस्टोसिस वगैरह है, सिस्टोसिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लैडर के हर्निएशन रहता है, ठीक है। ब्लैडर का हर्निएशन रहता है वजाइना में, ठीक है, ब्लैडर हर्निएशन ही वजाइना, इसको सिस्टोसिस कहा जाता है। और यहाँ पे ब्लैडर हर्निएशन की वजह से भी कई बार क्या होता है, ये पेशेंट को फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन वगैरह कई बार देखा जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में देख लेते हैं ब्लैडर की वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन या नॉक्चुरिया क्यों होता है फ्रेंड्स। ब्लैडर में क्या होता है, कई बार समझो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है समझो, ठीक है। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन क्यों होता है, कई बार समझो क्या होता है, वहाँ पे समझो बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट वगैरह है, प्रोस्टेटिस वगैरह है, तो क्या होता है वहाँ पे जो यूरिन का जो आउटफ्लो रहता है ना, आउटफ्लो में कई बार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इसलिए कई बार क्या होता है ब्लैडर पूरा एम्प्टी नहीं हो पाता, थोड़ा सा यूरिन पास होता है और थोड़ा सा यूरिन हमारे ब्लैडर में रहता है, इसलिए यूएजी में जो हम लोग करते हैं ना, यूएजी वगैरह करते हैं तो प्रोस्टेट वगैरह तो हमको डाउट लग रहा है प्रोस्टेट वगैरह है, इसलिए हम लोग सोनोग्राफी में क्या क्या चीजें देखना रहता है, प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड यूरिन देखना रहता है, ठीक है। प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड यूरिन देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द ब्लैडर नहीं होता, कंप्लीट इवैक्यूएशन ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पाता, इसलिए समझो यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, तो ब्लैडर में क्या होता है थोड़ा बहुत यूरिन पास रहता है वैसे, इसलिए पोस्ट वाइड यूरिन वगैरह कितनी रहती है ये सब चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। और वहाँ पे हमें प्रोस्टेट वगैरह है क्या, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें देखना रहता है, इसलिए यूएजी में समझो ब्लैडर में प्री वाइड और पोस्ट वाइड यूरिन भी देखा जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फिर ब्लैडर नेक में इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ड्यू टू एनलार्ज प्रोस्टेट वगैरह है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा वगैरह है, ऐसे केसेस में समझो यहाँ पे ब्लैडर नेक वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन या फिर नॉक्चुरिया वगैरह पेशेंट का कैंसर बार बार होता रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं यूरेथ्रा की वजह से, फ्रेंड्स यहाँ पे यूरेथ्रा में भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह आता है, मतलब इन्फेक्शन वगैरह रहता है यूरेथ्रा में, जैसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं, या फिर बैलेनाइटिस है। बैलेनाइटिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो पेनिस रहता है, पेनिस की जो फोरस्किन रहती है, पेनिस की फोरस्किन एंड फोरहेड पे जो स्वेलिंग वगैरह आ जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाता है, उसको बैलेनाइटिस कहते हैं। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से भी क्या होता है, पेशेंट को अक्सर बार बार यूरिनेट करना पड़ता है, कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं हो पाता है ऐसे केसेस में, या फिर यहाँ पे कई बार नॉक्चुरिया वगैरह भी देखा जाता है ऐसे केसेस में बैलेनाइटिस में वगैरह, ठीक है। बाद में स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है या फिर फाइमोसिस है, समझो फाइमोसिस वगैरह है, तो पेशेंट को क्या होता है यूरिन आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाता है, ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन है नॉक्चुरिया कई बार देखा जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं अदर कॉजेस में पॉलीयूरिया है, जैसे कि पेशेंट समझो लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह इंटेक करता है, तो फ्रेंड्स पेशेंट को क्या होता है कई बार लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन होती है ऐसे केसेस में, ठीक है। और फिर पेशेंट को समझो प्रेगनेंसी है, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में क्या होता है फिटस की साइज, फिटस क्या होता है फिटस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे यूटेरस की साइज बढ़ती है, यूटेरस की साइज बढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स ये ब्लैडर पे हमारे प्रेशर करते हैं, ठीक है। ब्लैडर पे प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ पे ब्लैडर के साइज जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है, इसलिए पेशेंट में ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन भी बढ़ जाता है कई बार, ठीक है। या फिर प्रेशर सराउंडिंग स्ट्रक्चर वगैरह कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह सराउंडिंग में कुछ ऐसे कुछ ट्यूमर की वजह से वगैरह समझो वहाँ पे प्रेशर आ रहा है वो ब्लैडर पे, इसकी वजह से भी फ्रेंड्स कई बार क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन या नॉक्चुरिया कई बार देखा जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है।